Hi friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagriti. So friends, today we are discuss about of rectum and anus. Friends, in the last video we had study about the large intestine and a small intestine. But in this video we will get to know about of rectum and anus. So let's start. Friends, rectum. Rectum, it occupies the lower posterior part of pelvis. Rectum जो होता है वो pelvis cavity का lower posterior part होता है. Next is, it extend between sigmoid column and anus. Rectum जो है वो sigmoid column and anus के between extend रहता है. Here you can see sigmoid column and anus. Sigmoid column to anus. Between sigmoid column and anus. Sigmoid column से anus तक extend रहता है. Next is, द रेक्टम इज़ द पार्ट ऑफ द लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. रेक्टम जो है वो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट होता है. द रेक्टम इज़ कंटिन्यूशन ऑफ द सिग्मॉइड कॉलम एंड कनेक्ट टू द एनस. रेक्टम जो होता है वो सिग्मॉइड कॉलम से कंटिन्यू होता है. सिग्मॉइड कॉलम से कंटिन्यू होता है एंड कनेक्ट टू द एनस. फंक्शंस ऑफ द रेक्टम. रेक्टम एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर द हीकस. रेक्टम जो होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज साइट होता है स्टूल का. नेक्स्ट इज, रेक्टम शॉर्टनेस एज मटेरियल इज फोर्स्ड इनटू द एनस कैनाल एंड फीकस कम्स आउट ऑफ द रेक्टम. रेक्टम जो होता है उसका मेनली वर्क होता है रेक्टम एनस में फोर्स्ड करता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है एंड देन एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाता है एनस. फ्रेंड्स, एनस इट इज़ अ स्मॉल कैनाल. एनस जो होता है वो स्मॉल कैनाल होती है एंड अबाउट 1 inch इन लेंथ. एनएस की जो लेंथ होती है वो लगभग 1 inch होती है. नेक्स्ट इज, द ओपनिंग ऑफ एनएस इज गार्डेड बाय स्पेंटर. जो एनएस की ओपनिंग होती है वो इस स्पेंटर होती है जिसे एनाल स्पेंटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज, दिस इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल. एनएस जो होता है वो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है यानी कि ह्यूमन जो है उसके ह्यूमन का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है एनएस. नेक्स्ट इज, द एनएस इज ओपनिंग वेयर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन एंड एग्जिट ऑफ द बॉडी. एनएस की ओपनिंग जो होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो एंडिंग होती है वहाँ पे एनएस की ओपनिंग होती है. एग्जिट ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी के बाहर. नेक्स्ट इज, द एनोरेक्टल लाइन सेपरेट द एनस फ्रॉम द रेक्टम. एक एनोरेक्टल लाइन जो होती है वो एनस को रेक्टम से सेपरेट करती है. एनोरेक्टल लाइन जो है वो एनस को रेक्टम से सेपरेट करती है. फंक्शंस ऑफ द एनस. द फंक्शन ऑफ द एनस इज टू ट्रांसमिट फीकस फ्रॉम द रेक्टम. एनएस का फंक्शन क्या है? एनएस का फंक्शन रेक्टम से फीकस को ट्रांसफ़र यानी कि रेक्टम जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है एनएस में एंड एनएस के थ्रू जो है वो फीकस यानी कि जो वो बेस्ट प्रोडक्ट है स्टूल वो बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है. नेक्स्ट इज, एनाल स्पिंक्टर गिव कंट्रोल ओवर द रेगुलरी ऑफ डिफिकेशन एंड दिस मे बी कॉन्शियसली कंट्रोल इन सम स्पीसीज. जो एनएस के जो एनाल स्पिंक्टर होते हैं वो कंट्रोल देते हैं रेगुलरली जो है डिफिकेशन के लिए कंट्रोल देते हैं यानी कि जब हम कॉन्शियस होते हैं तब ये एनाल स्पिंक्टर के थ्रू ये कंट्रोल देते हैं. नेक्स्ट इज, टू एनाल कैनाल लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ द फीकस. जो एनाल कैनाल होती है वो लुब्रिकेट करती है फीकस के वे को जहाँ से स्टूल जो है एक्सपेल आउट होता है बॉडी के बाहर. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड्स.